आज अपन पालक के पराठे बनाएंगे जो बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। चोखी कुकिंग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पालक के पराठे बनाएंगे बहुत ही इजी ट्रिक से, जो चटनी और अचार के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मैंने 250 ग्राम पालक लिया है, इसको 3-4 बार अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। अब मैं इसको गर्म पानी में डाल देती हूँ 5 मिनट के लिए। तो मैंने गर्म पानी में डुबो दिया है पालक को। अब अपन इसको ठंडे पानी में निकाल लेंगे। ठंडे पानी में निकालने से इसका नेचुरल ग्रीन कलर बरकरार रहेगा। तो मैं बिल्कुल ठंडे चिल्ड पानी में निकाल लेती हूँ इसको। अब अपन इसका पेस्ट बना लेंगे। तो मैं मिक्सी के जार में डाल देती हूँ, 2-3 हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ, अदरक का टुकड़ा और लहसुन की कलियाँ ऐड कर देती हूँ और अपन पीस लेंगे। तो मैंने पीस लिया है। अब अपन गेहूं का आटा लेंगे, लगभग 3 कप जितना। अब मैं इसमें अजवाइन ऐड कर देती हूँ, नमक और चुटकी भर हींग और सफ़ेद तिल, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अपन ने जो पेस्ट बनाया है वो ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और आटा गूँथ लेंगे। तो मैंने एक परफेक्ट सा आटा गूँथ लिया है। अब अपन ढककर रख देते हैं। इधर अपन हरे धनिए की चटनी बना लेते हैं। तो मैं हरा धनिया मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। अब अपन इसमें हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ और थोड़े से अदरक के टुकड़े ऐड कर देंगे। अच्छी फ्लेवर के लिए पुदीना ऐड करेंगे। तो मैं पुदीना ऐड कर देती हूँ। अब अपन जीरे का पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा वाइट नमक ऐड कर देंगे और आधा कप दही ऐड कर देंगे और अपन पीस लेंगे। तो मैंने पीस लिया है, ये आप देख सकते हो कितना अच्छा सा कलर आया है चटनी का अपना। अब अपन इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। और इधर आटा भी अपना रेस्ट कर चुका है। अब अपन छोटी छोटी पेड़ी लेकर के बेलन से बेल लेंगे पराठे टाइप में। आप किसी भी शेप में बेल सकते हो, मैं यहाँ पे तिकोटा बेलूँगी। तो मैंने बेल लिया है। अब थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। अब थोड़ा सा घी फिर से लगाएंगे, अब फिर फोल्ड कर देंगे और अपन इस तिकोटे पराठे को बेल लेंगे बेलन से। तो मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया है, अब अपन बेल लेंगे। तो मैंने बेल लिया है, ये आप देख सकते हो तिल अपने कितने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। अब अपन इसको सेक लेंगे ऐसे, बिना घी या तेल लगाए पहले दोनों साइड से। फिर एक साइड घी लगा देंगे और पलट देंगे, फिर दूसरी साइड घी लगा लेंगे और अपन ऐसे कड़छी से दबाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो पराठा अपना बिल्कुल परफेक्ट सा सिक चुका है, ये आप देख सकते हो पराठा अपना रेडी है। अब अपन इसको पलट पलट करते हुए अच्छे से सेक लेंगे। लो मीडियम फ्लेम रखना है। तो पराठा अपना सिक चुका है। अब अपन इसको निकाल लेंगे और सभी पराठे अपन इसी तरह से बेल करके सेक लेंगे। तो मैंने सभी पराठे सेक लिए हैं। अब अपन अचार और हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये आप देख सकते हो पराठा अपना कितना अच्छा सा सिका है, बिल्कुल एक एक लेयर बिल्कुल खिली खिली है, क्योंकि अपन ने घी लगाया था ना, उससे बिल्कुल परफेक्ट लेयर अपने निकल कर आई है, कितना अच्छा सा सिका है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, पालक के तिकोटे पराठे ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।